जय हिंद। तो देखिए, बीआरओ ग्रिफ की तरफ से आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त जो अपडेट है वो आ चुकी है कि जो आपके टोटल 246 पदों पर भर्ती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीआरओ ग्रिफ की तरफ से आउट हो चुका है। तो इस भर्ती की पूरी क्या जानकारी रहने वाली है, कितनी पोस्ट आपकी आउट की गई हैं, हर एक पोस्ट की जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपके बीआरओ ग्रिफ में एडीवीटी नंबर 03/2022 के नाम से आउट की गई हैं, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट हैं वहीं इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ड्राफ्टमैन के टोटल 14 पोस्ट रहेंगी। जो भी आपकी कैटेगरी है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी अपनी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आपके किसी पोस्ट के किसी भी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तो आप यूआर के जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ड्राफ्टमैन के बाद देखिएगा, जो आपकी सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है इसके टोटल 7 वैकेंसी हैं, सुपरवाइज़र स्टोर की 13 वैकेंसी हैं, सुपरवाइज़र साइफर के टोटल 9 वैकेंसी हैं, हिंदी टाइपिस्ट के टोटल 10 वैकेंसी हैं, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 35 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन के टोटल 30 वैकेंसी, देन वेल्डर के टोटल 24 वैकेंसी, मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ की यहाँ पर टोटल जो 22 वैकेंसी हैं, और उसके बाद कुक के टोटल यहाँ पर 82 वैकेंसी। तो इन सभी को मिलाकर 246 जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपको इस भर्ती में देखने को मिलेंगी। अब ये है आपकी भर्ती का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आपको पूरी जानकारी बताई गई है। टोटल 46 पेज का ये आपका नोटिफिकेशन है। और ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म जो कि आपको फिल करना है, और इसके फॉर्म भी आपके आज से ही फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके ऊपर आपको हम अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। वो वीडियो देखने के बाद ही आप जो है वो फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म में आपने कोई गलती कर दी तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप आगे किसी भी प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाओगे। तो इससे पहले देखिएगा इस भर्ती की पूरी जानकारी। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि जो आपकी एज लिमिट है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के जो लास्ट डेट है उसके अनुसार ही काउंट होगी। यहाँ पर आपके ड्राफ्टमैन की एज 18 से 27 साल रहेगी, जिसमें ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगी। इसके बाद जो आपकी सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है इसमें भी आपकी एज 18 से 27 साल रहेगी। उसी तरह से यहाँ पर आपके जो सुपरवाइज़र स्टोर की पोस्ट है इसमें आपकी एज 18 से 27 साल, सेम आपकी एज है सुपरवाइज़र साइफर में 18 से 27 साल, और सेम आपकी एज है हिंदी टाइपिस्ट में 18 से 27 साल। उसके बाद ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, इन सभी में भी आपकी एज 18 से 27 साल रहेगी। लेकिन जो यहाँ पर आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ और कुक की पोस्ट है इन सभी की एज लिमिट आपके 18 से 25 साल रखी गई है। एज में जो छूट की जानकारी है वो आपको हमने बताया, यूआर ईडब्ल्यूएस को एज में कोई छूट नहीं मिलेगी, एससी एसटी को एज में 5 साल, ओबीसी को 3 साल। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल एम्प्लॉयज़ हैं या फिर बीआरओ ग्रिफ के जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनकी एज यूआर की 40 साल तक, एससी एसटी के 45 साल तक और ओबीसी की यहाँ पर आपकी 43 साल तक रखी गई है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ पर जो एज में छूट है वो सर्विस के अकॉर्डिंग आपकी 3 साल प्लस ऐड करके दी जाएगी। जो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको एज में 10 साल की, और इसी तरह से यहाँ पर जो आपके जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट कैंडिडेट हैं उनको 5 साल एज में छूट मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड हैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए वो आपके असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की परसेंटेज के कट ऑफ के आधार पर आने वाले हैं, तो अगर आपके असेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अलावा आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफ़िकेशन भी है, अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपको कुछ परसेंटेज इसमें ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो अदर क्वालिफ़िकेशन है उसमें देखिए, अगर आप बीआरओ ग्रिफ पे सर्विंग या फिर रिटायर्ड पर्सनल की पहली संतान है, एक संतान को यहाँ पर 15% का,
एनसीसी की सी सर्टिफिकेट का 10%, बी का 5%, बीआर और ग्रीफ के जो यहाँ पर आपके सर्विंग पर्सनल हैं जो हायर पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको 15%, एक्स सर्विसमैन के जो संतान हैं उनको 3%, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको यहाँ पर 5%, और जो बी और ग्रीफ में सीपीएल हैं कैजुअल पेड लेबर इनको यहाँ पर 10% का जो वेटेज है वो दिया जाएगा। ओके, और अगर आपके पास एनसीसी की बी और सी दोनों सर्टिफिकेट हैं तो सिर्फ आपको जो सी सर्टिफिकेट है इसी का लाभ मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भी आपके कैंडिडेट हैं, जो आपके सर्विंग कैंडिडेट हैं, उनकी सर्विस कम से कम आपकी 1 साल की होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जो आपके जर्नल और ईडब्ल्यूएस प्लस में आपके ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं इनकी फ़ीस 50 रुपये रहेगी, जो कि आपको इस लिंक के द्वारा पे करनी है। फ़ीस आपको कैसे पे करनी है, इसकी रिसीट आपको कैसे लगानी है, वो सारी बात आपको हम बता देंगे जब आपकी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे ऑफलाइन फॉर्म को फिल करने के बारे में। यदि हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपके जो कॉल लेटर हैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए, आपके टोटल वैकेंसी के 10 गुना आपकी ही कैटेगरी के जो टोटल वैकेंसी हैं उसके 10 गुना के जो एडमिन कार्ड है वो आपके आउट किए जाएंगे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्लस में एक्स्ट्रा वेटेज को मिलाकर आपकी कट ऑफ के आधार पर। कॉल लेटर आउट होने के बाद जो आपकी पहली प्रोसेस है वो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम, जो कि आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा और ये आपका सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव या फिर दोनों ही तरीके से कंडक्ट हो सकता है। इसमें आपको कम से कम पास होने के लिए, कट ऑफ में आने के लिए 50% जो नंबर हैं यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी को और एससी एसटी को 40% लाने ज़रूरी हैं, तभी आपको कट ऑफ में काउंटर किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोसेस होगी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जिसमें आपकी 1 मिनट की रेस होगी, टाइम आपको मिलेगा 10 मिनट का। उसके बाद आपका जो होता है प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट है, वो कंडक्ट किया जाएगा फिज़िकल क्वालिफाई करने के बाद। और यदि आप अपना रिटर्न एग्ज़ाम, अपने फिजिकल, अपना ट्रेड टेस्ट ये सभी पास कर लेते हैं, देन आपका मेडिकल कंडक्ट होगा और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो कन्फर्म हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो देखिए जो आपके ड्राफ्टमैन की पोस्ट है इसमें आपको प्लस टू पास होना ज़रूरी है साइंस सब्जेक्ट के साथ, प्लस में आपके पास 2 साल का जो ड्राफ्टमैनशिप का डिप्लोमा है या फिर आपकी सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके जो सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है इसमें अगर आपके पास एनसीसी की बी सर्टिफिकेट है और अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद सुपरवाइजर स्टोर में आपके पास डिग्री अगर है, प्लस में आपके पास है मटेरियल मैनेजमेंट या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर स्टोर कीपिंग, इनमें से किसी भी एक में सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो आपकी सुपरवाइज़र साइफर की पोस्ट है इसमें अगर आपके पास साइंस की डिग्री है मेडिकल नॉन मेडिकल की, तब भी यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट में सबसे पहले आपको प्लस टू पास होना ज़रूरी है, देन आपकी 30 वर्ड पर मिनट के साथ जो हिंदी में टाइपिंग स्पीड है वो भी होनी चाहिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए आपको 10वें पास होना ज़रूरी है, प्लस में अगर आपने वायरलेस ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक से सर्टिफिकेट आपके पास हासिल है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI से, तब यहाँ पर आप ऑपरेटर कम्युनिकेशन का फॉर्म फिल कर पाएंगे। इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए सबसे पहले आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास अगर ITI के सर्टिफिकेट है ऑटो इलेक्ट्रिशियन में और आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तब यहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इलेक्ट्रिशियन का। वेल्डर में देखिए आपको 10वीं पास होने के साथ जो ITI के सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल एंड गैस में, तब यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे वेल्डर के लिए। उसके बाद मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ में आपको 10वीं पास होने के साथ जो ITI के सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, और ये आपकी ITI के सर्टिफिकेट ब्लैक स्मिथ या फिर आपके पास देखिएगा सीट मेटल वर्कर से अगर आपके पास है या फिर हीट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे ब्लैक स्मिथ की पोस्ट के लिए। और उसके बाद जो आपके कुक की पोस्ट है इसमें मात्र आप 10वीं पास होने पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।
और देखिएगा आपके हर एक पोस्ट का जो आपका रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो ट्रेड टेस्ट का सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भर्ती की पूरी जानकारी है वो आपको मैंने बता दी है। फॉर्म फिल के बारे में आपकी कंप्लीट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और इसके अलावा देखिएगा जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अगर इनके स्पेशल नोट्स आपका स्पेशल बैच आपको चाहिए बीआर ग्रुप के लिए, तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89306 38526, यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जो भर्ती की पूरी जानकारी है जो आपके स्पेशल बैच की स्पेशल नोट्स की, वो आप लोग ले सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और बीआरओ ग्रुप पे जो आपकी हर एक अपडेट है उसको पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। ओके, तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो। जय हिंद।